नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण साय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीनियर सिटीज़न का अकाउंट्स होते हैं उसमें 15H और 15G फॉर्म होते हैं, उनको कैसे अपडेट करना है और 15G फॉर्म कब देना होता है, 15H फॉर्म कब देना होता है, तो पूरी प्रोसेस हम लोग देखेंगे। क्योंकि अभी जब मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए पहले पैन वैलिडेशन का आपको एरर देता है, यानी कि सबसे पहले आपको CIF में जाके मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। CMRC में जाके मॉडिफिकेशन करने के बाद में उसमें पैन कार्ड आपको वैलिडेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सीनियर सिटीज़न के अकाउंट की मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन में जाके उसको 15H के टैक्स फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, प्रोसीजर को देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, प्रोसीजर से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। टैक्स जो होता है सीनियर सिटीज़न के अकाउंट में, आपकी डिडक्शन टैक्स की जब होती है, जब आपका ईयरली इंटरेस्ट जो है 50,000 से ज़्यादा हो जाता है, 50,000 से नीचे का जो भी अकाउंट्स हैं इंटरेस्ट वाले, उनको जो है 15G और H फॉर्म सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका ईयरली इंटरेस्ट सीनियर सिटीज़न अकाउंट्स का 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो उनको दोस्तों 15G या 15H फॉर्म सबमिट कराना होता है। तो चलिए जान लेते हैं 15G फॉर्म कब देना होता है। तो 15G फॉर्म दोस्तों तब देना होता है जब सीनियर सिटीज़न अकाउंट होल्डर की एज जो होती है वो 60 से कम होती है, यानी कि वो अकाउंट जो है या तो VRS वालों के लिए ओपन हुआ हो या फिर डिफेंस पर्सन के लिए ओपन हुआ हो। और दूसरा जो 15H होता है वो देना होता है 60 ईयर्स की एज से ज़्यादा वालों के लिए, जो नॉर्मल अकाउंट SR SCM या फिर SC SCM स्कीम्स के लिए ओपन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहले कंप्लीट प्रोसीजर कैसे उनको अपडेट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको CMRC मेन्यू में जाना है। मेन्यू शॉर्टकट में CMRC टाइप करना है आपको और उसके बाद गो पे क्लिक कर देना है। तो फंक्शन कोड में आपको मॉडिफाई रखना है और वो CIF ID यहाँ पे टाइप कर देनी है जिससे सीनियर सिटीज़न अकाउंट जो है ओपन हुआ है। तो वो CIF ID यहाँ पे टाइप करने के बाद में गो पे क्लिक करना है, नहीं तो F4 प्रेस कर देना है। तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट पेज पे जाना है नीचे स्क्रॉल करके, और यहाँ पे देखिए पेन वैलिडेशन यहाँ पे एग्जिस्टिंग एंड वैलिड दिखा रहा है। अगर यहाँ पे पेन वैलिडेट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पे उसको वैलिडेट करना पड़ेगा और उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। अगर पहले से वैलिडेट है तो आप यहाँ से कैंसिल करके वापस जा सकते हैं। अभी यहाँ पहले से पेन वैलिडेट है तो यहाँ कैंसिल करेंगे। और अभी सीनियर सिटीज़न के अकाउंट मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन मेन्यू में जाना है, CSCAM। तो ये मेन्यू शॉर्टकट में टाइप करेंगे CSCAM, उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके अकाउंट की, सीनियर सिटीज़न अकाउंट की मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन ओपन होगी। फंक्शन कोड में आपको यहाँ पे मॉडिफाई सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ मॉडिफाई सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको अकाउंट ID दिखेगी, उसमें आपको सीनियर सिटीज़न का अकाउंट नंबर टाइप करना है। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद टैप प्रेस करेंगे तो सोल ID और अकाउंट होल्डर का नाम दिखाई देगा और उसके बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक करने के बाद में उसके अकाउंट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, अकाउंट नेम वगैरह। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे ये टैक्स फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। देखिए टैक्स फॉर्म जो है अभी यहाँ पर फ़िलहाल नन है, यानी कि इसका टैक्स जो है डिडक्शन होगा। यहाँ पे आपको 15G या फिर 15H फॉर्म सबमिट करना है। तो जो पार्टी ने दिया है फॉर्म वो यहाँ पे अपडेट करना है। तो मैन्युअली आप यहाँ पे 15H फॉर्म लिख के टैक्स कैटेगरी में देखिए, अभी कस्टमर टैक्स है। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो टैक्स कैटेगरी में अपने आप ही नो टैक्स हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही यहाँ पे करना है, टैक्स फॉर्म में 15G या 15H फॉर्म टाइप करने के बाद में टैब प्रेस करना है तो उसके बाद अपने आप ही टैक्स कैटेगरी नो टैक्स की हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे सबमिट कर देना है। और जब पेन वैलिडेशन CMRC में करेंगे तो आपको वहाँ पे चेक कर लेना है, वहाँ पे आपने TDS सीनियर सिटीज़न के लिए TDS NS सेलेक्ट किया है कि नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरे अकाउंट को देख लेते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई वैसे ही CSCM में और अकाउंट ID सीनियर सिटीज़न की, उसके बाद में गो पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे उसने फीड किया होगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो वहाँ पे आपको पहले से ही डिटेल्स दिखाई देंगी 15H की और नो टैक्स। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टैक्स फॉर्म में यहाँ पे पहले से ही 15H है और टैक्स कैटेगरी जो है नो टैक्स है।
तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप सीधा कैंसिल कर सकते हैं नीचे। अगर ऑलरेडी फीड है डेटा तो वहाँ पे सिर्फ कैंसिल करें। तो इस प्रकार दोस्तों मॉडिफाई करने के बाद में ये ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, मॉडिफाइड अकाउंट सक्सेसफुली। बाद में इसको अपने सुपरवाइज़र के मेन्यू में वेरीफाई करवा लेना है। सुपरवाइज़र में वेरीफाई करवाने के बाद में वहाँ पे आप उसकी पासबुक में एंट्री कर सकते हैं कि 15H फॉर्म सबमिटेड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और डेट डाल के वो जो डेट है और डेट स्टैम्प लगा के वो उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो सीनियर सिटीजन अकाउंट्स हैं उसके लिए 15G या फिर 15H जो फॉर्म्स हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं फिनेकल में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।